हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इसमें हम आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और इमोशंस देखने वाले, और बेसिकली उनके डीप इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर वो इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात रेजोनेट नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर के डीप डीप इमोशंस क्या हैं, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है होपफुल, इम्प्रेस, इंटरेस्टेड, फायर्ड अप, लव, रिजेक्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में प्लेफुल है। हम दूसरे डेक से भी देखेंगे और फिर मैं क्लैरिफाई करते हुए बात करूंगी। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए उनके डीप के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। कलेक्टिव्स के लिए प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए। व्हाट आर देयर डीप पार्टनर्स डीप इमोशंस, हैबिट्स, डिसऑनेस्टी, न्यू चैप्टर, एस्केप, सोल टाई, गॉसिप, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कन्वर्जन है, कॉन्वर्जेशन। और एक डेक से कार्ड्स निकालेंगे। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं आपके पार्टनर की, फ्यूचर एनर्जीज या फ्यूचर फीलिंग्स देखते हैं इस डेक से। इमीडिएट फ्यूचर फीलिंग्स क्या होने वाली है आपके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए, फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी। नेचर, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, इंट्यूशन, और बॉटम ऑफ द डेक में है एंसेस्टर्स। ओके, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए रीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, फर्स्ट लेट मी शफल द डेक। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा, ज़रूर लाइक करिए। यहाँ पे होपफुल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ जो नोटिस कर रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर होपफुल है, और किसी किसी को यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऑफ़र भी हुआ है। ओके, और अगर इनके इस ऑफ़र हुआ है तो इस पर्सन ने बहुत ही होप्स लगा के ये चीज़ आपको ऑफ़र करी है। जो भी ऑफ़र इन्होंने आपके सामने रखी है वो बहुत ही ज़्यादा होप्स के साथ रखी है, ठीक है। सो अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन लिया है आपके तरफ, या इनिशिएटिव लिया है, या कोई अपनी बात रखी है आपके सामने, बहुत होप्स रख कर रखी है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी और आप दोनों का यूनियन होगा, या बहुत दिल से। ओके, और अगर इस पर्सन ने अभी कोई एक्शन नहीं भी लिया है तो ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अभी एक्शन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें लग रहा है कि यही वक्त है, ठीक है। इंटरेस्टेड क्यों है यहाँ पे? मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और इनके नज़रों से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, काफ़ी आपकी वैल्यू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इनके लिए वैल्यूएबल हो, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, और ये पर्सन आपकी तरफ एक
एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो फाइनली इस पर्सन का ध्यान फिर से आपकी तरफ आया है और ये अब आपके बारे में फिर से सोचने लगे हैं और फिर से आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, फायर अप क्यों है? मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि कोई और आपके पास देखे, कोई और आपके बारे में सोचे या कोई और आपकी ज़िंदगी में उनकी जगह ले ले। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही पजेसिव, बहुत ही इनसिक्योर है। हो सकता है इस पर्सन ने गुस्सा किया हो आपसे हाल में, लाइक करंट कुछ एक दिन पहले, या हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा निकाला हो और उससे उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी जेलसी आपको दिखी हो। या हो भी सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्द कुछ ऐसी बातें गुस्से में आकर बोलेंगे जो ये कब से नहीं बोल रहे, चुप है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। आई डोंट नो ये रीज़न क्या है इसके पीछे, ऐसा फील करने के पीछे, लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग जेलस, इनसिक्योर, और वो नहीं चाहते कोई और आपको पा ले। ठीक है, यहाँ पे लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। वाओ, दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ जेन्युइन लव फॉर यू। ये आपके लिए बहुत जेन्युइन लव फील कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन से ऊपर कह लो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग जहाँ पे इंसान बहुत सीरियसली सोच रहा है आपके बारे में, जो आपसे शादी के बारे में सोच रहा है, जो आपके साथ उम्र बिताने के बारे में सोच रहा है, जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है आपके साथ। सो देयर फीलिंग्स इज़ नॉट जस्ट फीलिंग्स, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और ये बहुत लॉन्ग टर्म का आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, रिजेक्टेड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस रिजेक्टेड हियर? अगर आप इस पर्सन देखो, अगर ये पर्सन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है ना इस पर्सन ने आपकी तरफ, तो उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को, उनके किसी भी ऑफर को रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप उनको निराश कर दोगे रिजेक्ट करके। तो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अगर अभी तक इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो। और अगर एक्शन नहीं लिया है तो ये भी एक रीज़न है, डर है उनके अंदर कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आप रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप मना कर दोगे, क्या आप किसी भी आपके बिहेवियर से उनको रिजेक्टेड फील ना हो, क्योंकि ये पर्सन का ईगो हर्ट हो जाएगा और रिजेक्शन इज समथिंग वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए ट्रांसफॉर्म्ड क्यों है। ओके, सो अगर ये पर्सन पास्ट में किसी बात को लेकर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे या कंफ्यूज्ड थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, खुद भी कंफ्यूज थे, आपको भी कंफ्यूज कर रहे थे, अगर इस पर्सन के लाइफ में या नज़रों में कोई ऑप्शंस थे जिसको ये आपके साथ साथ जगल कर रहे थे, तो वो सारा कंफ्यूजन हट चुका है और ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो आप इनके बिहेवियर में देखोगे कि दे हैव चेंज्ड अ लॉट। छोटा सा ही डिफरेंस क्यों नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये डिफरेंस काफ़ी टाइम बाद आपको देखने मिलेगा। प्लेफुल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस प्लेफुल हियर? क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ये पर्सन आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ वक्त नहीं बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सॉलिड ऑफर में, सॉलिड कनेक्शन में आना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी देखिए अगर आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही कैजुअल बिहेव कर रहा है आपके साथ, तो इट इज़ बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये बस एक मुखौटा है, अंदर बहुत फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, ये मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पर्सन बस आपको ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप है, बहुत गहरी है, जितना वो दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा है। ठीक है, हैबिट्स क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस हैबिट्स? देखिए मुझे ऐसा लगता है आप दोनों काफ़ी टाइम आप दोनों में ऐसा हुआ है, किसी ने कोई यहाँ पे रनर बना है, कोई यहाँ पे चेजर बना है, कोई किसी से भाग रहा है, कोई यहाँ पे किसी को चेज कर रहा है, तो ऑन एंड ऑफ काफ़ी रहा है आप दोनों का कनेक्शन। ठीक है, ईगो भी बहुत है, मैं सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे ईगोइस्टिक वाइब बहुत फील हो रही है, दोनों में भी ईगो हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं कि क्या हम दोनों बदलेंगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए, विल थिंग्स बिटवीन अस चेंज? ओके, क्योंकि सच में ये चेंजेस चाहते हैं, इस कनेक्शन को अगर ये सुधारना चाह रहे हैं तो वो चेंजेस चाहते हैं। तो उनके दिमाग में यही आ रहा है कि क्या हम दोनों बदलेंगे कभी, क्या हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, क्या हम दोनों एक दूसरे से ऑन एंड ऑफ करना बंद कर पाएंगे कभी। डिसऑनेस्टी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस डिसऑनेस्टी हियर?
थ्री ऑफ. देखिए ये पर्सन जब पास्ट में देखते हैं तो इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई है, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, और ये चीज़ इस पर्सन को भी हर्ट करती है कि यार पास्ट में जब ये देखते हैं तो इनको फील होता है कि यार मैंने ये बहुत झूठ बोला, मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है. तो मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को ये नोटिस कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है. हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी भी आपको ऐसा ही शो कर रहे होंगे कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं ये चैप्टर क्लोज़ कर रहा हूँ, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ अपनी लाइफ की. बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, इनके अंदर बहुत डर है आपको खो देने का हमेशा के लिए. बस इनका ईगो बीच बीच में थोड़ा सा बीच में आ जाता है, और ईगो के वजह से ही आपको ऐसा शो करते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, आई डोंट वांट यू, आई डोंट नीड यू. ये सब वक्त की बातें हैं, ये सब दिखावा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एस्केप के एनर्जी क्यों है डिवाइन? यस, जब इनका कुछ अपना फ़ायदा था या इनका अपना करियर का कुछ इशू चल रहा था या फैमिली का कुछ इशू चल रहा था, या बात जब उन पे आई, उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया और आपको भी अकेला छोड़ दिया. ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही थी या जब मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है या मेरा फ़ायदा कहाँ पे है, मैं वहाँ पे निकल गया. तो दे आर रियलाइजिंग दैट कि मैं बहुत सेल्फिश हो गया था पास्ट में, ठीक है. लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या ये फील कर पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. गाइस, नीचे कार्ड्स गिर गए, लेट मी पिक इट अप. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील कर पाते हैं. शायद ऐसा कनेक्शन या ऐसे फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किए हैं. गॉसिप क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक चीज़ तो है कि आपसे जलने वाले काफ़ी लोग हैं, आपके रिश्ते से जलने वाले काफ़ी लोग हैं, या तो इनके लाइफ में है या तो आपके लाइफ में है, जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं आपके बारे में. लेकिन आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, तो आप डरिए मत, क्योंकि अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको परवाह नहीं करनी है. लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं, तो अगर आपके पर्सन को कोई आपके ख़िलाफ़ इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उनको फ़र्क तो पड़ता है. लेकिन इस पर्सन को फीलिंग्स बहुत डीप है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप है, तो ऊपर ऊपर से ही चीज़ें जा रही है, कोई चीज़ इनको छू नहीं रही है. कोई अगर इनसे कुछ बोल रहा है आपके बारे में, कॉन्वर्सेशन क्यों है? ये पर्सन आपसे, आपको बहुत मिस कर रहे हैं. बहुत टाइम हो सकता है हुआ है कि आपसे बात ही नहीं हुई है इस पर्सन की, एंड दे मिस यू, दे मिस योर वाइब. हो सकता है ये पर्सन बिजी है या आप बिजी हो और बात नहीं हो पाती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन प्यार अभी भी वही है, अट्रैक्शन अभी भी वही है. आपके लिए ख़ास जगह है इस पर्सन की लाइफ में. फ्यूचर एनर्जीज़ में नेचर क्यों आया है निकल के? गाइज, अगर आपको लगता है अभी तक रीडिंग मैच हुई है तो लाइक ज़रूर करना. नेचर क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कई बार ना क्या हो जाता है, ये पर्सन अपनी स्पेस को लेकर, अपने फ्रीडम को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. तो कई बार आपने देखा होगा कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, आपसे ही लड़ने लगते हैं कि मुझसे दूर रहो, ये वो. तो वो सारी चीज़ें फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को कन्फ्रंट, लाइक अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं कि मैंने अगर स्पेस लिया या मैं अगर दूर रहा तो क्यों. ओके, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत फ्रीडम पसंद इंसान है, तो आप इनको किसी बॉन्ड में नहीं रख सकते. जैसे इस पर्सन को बंधा हुआ महसूस होने लगता है, ये दूर हो जाते हैं. स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज द स्ट्रेंथ हियर? अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो फ्यूचर में ही आपके पास आने का कोशिश करेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस सेपरेशन हर्ट्स देम. ये सेपरेशन उनके लिए टू मच है, ये नहीं दूर रहना चाहते आपसे, ये नहीं डिसकनेक्टेड रहना चाहते हैं. दे विल कम बैक टू यू. प्रोटेक्शन क्यों है? देखिए, ये पर्सन फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये दूर नहीं रहना चाहेंगे आपसे, और आपसे कनेक्ट हो करेंगे, और इस रिश्ते पे काम करने के लिए अपने पूरी पूरी एफर्ट्स भी डालेंगे. इंट्यूशन क्यों है? यस, इनका दिल ही इनको कहीं ना कहीं पुश करेगा कि एक नई बिगनिंग आपके साथ करने के लिए इनको पुश करेगा कि स्टार्ट अ न्यू फ्रेश
और रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. तो इनका इंट्यूशन ये सुनेंगे और आपके सामने एक ऑफर रखेंगे बहुत हिम्मत करके. आसानी होगा इनके लिए, हिम्मत इनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. एंसेस्टर्स क्यों आया निकल के यहाँ पे? यस, अगर आप दोनों का रिश्ता बिगड़ा है, आई थिंक मैंने इससे पहले भी एक रीडिंग करी थी, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपका रिश्ता कुछ भी करो ठीक नहीं हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज आपको आप या तो अपने एंसेस्टर्स से प्रे नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, या कुछ तो आप अपने एंसेस्टर्स का नहीं कर रहे हो जिसके वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ फिर से ठीक हो तो अपने एंसेस्टर्स को प्रे करो, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करो, उनसे माफ़ी मांगो चाहे तो, या उनसे कनेक्टेड रहो ताकि आपको ब्लेसिंग मिले और आपका रिश्ता सुधर पाए. ठीक है, सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड आज सेटअप थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि मैं बाहर हूँ, कल मेरा बर्थडे है तो उसके लिए मैं बाहर आई हूँ थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको होटल में हूँ तो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, रिजॉर्ट में हूँ तो थोड़ा सा सेटअप अलग है. कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना. और हाँ, बर्थडे है मेरा कल तो विशेज़ की भरमार कर दो. आपके विशेज़, आपके प्यार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही स्पेशल है आपकी सारी विशेज़ मेरे लिए. एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू ऑल एंड मिस मी टिल द नेक्स्ट वीडियो.